आपको चाहिए 30,000 रुपए के अंदर सबसे पावरफुल 5G स्मार्टफोन्स, जिसमें कम से कम 120Hz से 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट हो, AMOLED और QLED डिस्प्ले के साथ सबसे पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर हो, बेस्ट कैमरा सेटअप, बैटरी बैकअप और डिजाइन भी अच्छी हो, तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? 30,000 रुपए के अंदर तो बहुत सारे फोन मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा फोन कौन सा है इस लिस्ट में जानेंगे। इस लिस्ट के पांचवें नंबर फोन है Realme 12 Pro Plus 5G। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो बैक पैनल वीगन लेदर के थ्रू डिजाइन किया गया, बाकी फ्रेम प्लास्टिक का ही है और फ्रंट में पंचुल कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, बाकी बैक साइड से कैमरा का लुक और भी गजब का है। बाकी डिजाइन के मामले में ये फोन एकदम जबरदस्त है, सभी बटन सपोर्ट मिलते हैं 3.5mm जैक छोड़ के, डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दी गई है। अदर फीचर्स की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है, 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, टाइप ए टू टाइप सी के साथ में है और इस फोन में IP65 की रेटिंग दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व OLED डिस्प्ले है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 240Hz टच सैंपलिंग रेट दिया गया और 950 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट तो मिलता ही है। डिस्प्ले अच्छी दोस्तों, डिस्प्ले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, व्यू एंगल कलर और डिटेलिंग एकदम बेहतरीन क्वालिटी की देखने को मिल जाती है। बाकी प्रोसेसर है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 जो 4nm चिप सेट पे बेस्ड है और अंततः इसको 6.5 लाख के आसपास आता है। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, आप इसमें 60fps में गेमिंग कर पाएंगे वो भी हाईएस्ट सेटिंग पे, लेकिन हाँ इससे भी बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन इस लिस्ट में आगे मिलेगा। बाकी यह फोन स्पेशली किस लिए है आगे पता चलेगा। बाकी स्टोरेज टाइप के लिए LPDDR4 XRM टाइप मिलता है, फिर 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है, स्टोरेज टाइप भी अच्छा जो परफॉर्मेंस में अपना योगदान देता है। सेटिंग बात करूं तो Realme का 5.0 UI मिलता है, Android 14 पे बेस्ड है, 2 साल का Android अपडेट मिलेगा, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा, लेकिन हाँ इसकी UI आपको क्लीन नहीं मिलेंगी, इसमें भर भर के कचड़े यानी थर्ड पार्टी ऐप देखने को मिलते हैं जिन्हें आप रिमूव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो 50MP का मेन कैमरा है, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 64MP का पेरिस्कोप कैमरा मिलता है जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है और फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा। और हाँ दोस्तों, इस प्राइस सेगमेंट में ये फोन सबसे बेस्ट कैमरे सेटअप के साथ आता है, तो इसे आप कैमरे पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो कॉल की बात करें तो पेरिस्कोप और प्राइमरी कैमरे से 4K 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट से 1080p 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हाँ, स्पेशली ये फोन कैमरे के लिए है, बाकी देखा जाए तो ये फोन ऑलराउंडर है, लेकिन एसएसली कैमरा इसका बेस्ट मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, 9.5G का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है, डुअल 4G LTE का सपोर्ट है, NFC नहीं है। और दोस्तों, इस प्राइस सेगमेंट में Realme ने कैमरे और डिजाइन पे ज्यादा फोकस किया है, बाकी ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस भी इसमें आपको अच्छा मिल जाता है, लेकिन स्पेशली ये फोन कैमरे के लिए चेकआउट आप कर सकते हैं अगर आप गेमर नहीं है तो। बाकी निगेटिव और प्लस पॉइंट को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। चौथे नंबर पे है Redmi Note 13 Pro Plus 5G। इसके डिजाइन की बात करें तो इसका भी बैक पैनल वीगन लेदर के थ्रू डिजाइन किया गया, बाकी फ्रेम प्लास्टिक का ही है और फ्रंट में पंच होल कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी डिजाइन के मामले में ये भी फोन बहुत ही बेस्ट है जो प्रीमियम लुक देता है, बाकी सभी बटन सपोर्ट मिलते हैं 3.5mm जैक छोड़ के, डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, एयर ब्लास्टर है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दी गई है। इसके अदर फीचर्स की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है, 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, टाइप ए टू टाइप सी डाटा के साथ में है और इस फोन में IP68 की रेटिंग दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का 1.5K कर्व AMOLED डिस्प्ले है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 240Hz टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसके डिस्प्ले में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये डिस्प्ले 12-bit डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में एकदम बेहतरीन क्वालिटी की कलर और डिटेलिंग देखने को मिलेंगी, व्यू एंगल भी एकदम बढ़िया है, Realme से भी बेस्ट डिस्प्ले इसका है। बाकी प्रोसेसर MediaTek का Dimensity 7200 Ultra जो 4nm चिप सेट पे बेस्ड है और अंततः इसको 7,20,000 के आसपास आता है। परफॉर्मेंस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिसेंट है, आप इसमें 60fps में हाईएस्ट सेटिंग पे गेमिंग कर पाएंगे। बाकी स्टोरेज टाइप भी इस फोन में आपको बेहतरीन मिल जाती है जो LPDDR5 RAM टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। प्रोसेसर के बाद परफॉर्मेंस में इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है जो इस प्राइस सेगमेंट में आपको अच्छा मिल जाता है। UI सेटिंग बात करूं तो MIUI 14 और Android 13 पे आया था, 3 साल का Android अपडेट, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा, लेकिन हाँ
यूआई इसकी भी इतनी ज्यादा क्लीन नहीं मिलती है, थोड़े बहुत आपको क्लीन करने पड़ेंगे। कैमरे की बात करूं तो 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और फ्रंट मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कैमरा ठीक ठाक है, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिसेंट फोटो और वीडियो प्रोवाइड करता है। बाकी वीडियो कॉल की बात करो तो रियर कैमरे से 4K 30 रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट से 1080p 30 रिकॉर्ड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी बात करो तो 10 5G का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, डुअल 4G वर्ल्डी का सपोर्ट है, NFC भी इसमें मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में Redmi ने भी एक अच्छा फोन लॉन्च किया, जिसके नेगेटिव और प्लस पॉइंट को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। तीसरे नंबर फोन है IQ Neo 7 Pro 5G। डिजाइन की बात करते हैं, इसमें आपको दो चॉइस मिलता है, वीगन लेदर और PMMA मटेरियल के थ्रू डिजाइन किया गया, बाकी फ्रेम प्लास्टिक के ही है और फ्रंट में पंच होल फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी इस फोन में भी सभी बटन सपोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन 3.5mm जैक नहीं दिया गया है। बाकी नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, IR ब्लास्टर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दी गई है। इसके अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी है, 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, टाइप C2C डाटा के साथ में है और IP52 की रेटिंग दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 300Hz टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1300 nits ब्राइटनेस और वाइड बैंड 11 का सपोर्ट है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है। इसकी भी डिस्प्ले अच्छी है दोस्तों, व्यू एंगल कलर और डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलती है। बाकी डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। प्रोसेसर है Qualcomm का Snapdragon 8 Plus Gen 1 जो 4 नैनोमीटर से शेड्यूल बेस्ड है और अंतुतु स्कोर 13 लाख से भी ज्यादा आता है। परफॉर्मेंस के मामले ये प्रोसेसर नेक्स्ट लेवल का तो है ही, साथ में एक और चिप मिलता है जिसके वजह से आप 120fps में हाईएस्ट सेटिंग पे गेमिंग कर पाएंगे। और हाँ, स्टोरेज टाइप भी इसमें आपको बेहतरीन क्वालिटी का मिल जाता है, जो है LPDDR5 RAM टाइप UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, जिनका प्रोसेसर के बाद बहुत बड़ा योगदान है और इस प्राइस पॉइंट में आपको अच्छा मिल जाता है। UI सेटिंग बात करो तो फ्रंट टचOS 13 और Android 13 पे आया था, 2 साल का Android अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा, लेकिन हाँ UI इसके भी क्लीन नहीं है, इसमें भी भर भर के थर्ड पार्टी ऐप देखने को मिलते हैं जिन्हें आप रिमूव करके आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एंड्रॉइड 15 के बाद इसमें कोई भी अपडेट तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन एकदम नेक्स्ट लेवल का है, तो गेमिंग के लिए इस फोन को आप चेकआउट कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और फ्रंट मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस फोन का भी कैमरा डिसेंट फोटो और वीडियो प्रोवाइड करता है। बाकी वीडियो कॉल की बात करो तो रियर कैमरे से 4K 30 रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट से 1080p 30 रिकॉर्ड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करो तो 8.5G का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है, डुअल 4G वर्ल्डी का सपोर्ट है, NFC नहीं है। और दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में एकदम नेक्स्ट लेवल का है। बाकी आप नेगेटिव और प्लस पॉइंट को देख डिसाइड कर सकते हैं कि ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। दूसरे नंबर पे OnePlus 11R 5G। डिजाइन की बात करें तो बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है और फ्रेम प्लास्टिक का ही है। बाकी फ्रंट में पंच होल कर्व डिस्प्ले है, सभी बटन सपोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन 3.5mm जैक नहीं है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, IR ब्लास्टर है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाती है। इसके अदर फीचर्स की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है, 100W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, टाइप ए टू टाइप सी डाटा के साथ में है, लेकिन इस फोन में कोई VIP रेटिंग नहीं मिलती है। डिस्प्ले की बात 6.74 इंच का 1.5K कर्व AMOLED डिस्प्ले है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 360Hz टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1450 निट पीक ब्राइटनेस है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, वाइड बैंड 11 का सपोर्ट तो है ही। इसकी भी डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है, जिसमें व्यू एंगल कलर और डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलती है, यानी डिस्प्ले बेस्ट क्वालिटी की है। और इसमें भी प्रोसेसर मिलता है Qualcomm का Snapdragon 8 Plus Gen 1 जो 4 नैनोमीटर चिप सेट पर बेस्ड है और अंतुतु स्कोर 10 लाख से ज्यादा आता है। बाकी ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस वाइज एकदम नेक्स्ट लेवल का है, जो IQ Neo 7 Pro में भी मिलता है। बाकी हां आप इसमें 60 से 90 FPS में गेमिंग कर पाएंगे, वो भी हाईएस्ट सेटिंग पे। और स्टोरेज टाइप भी इसमें आपको अच्छा मिल जाता है, LPDDR5X RAM टाइप मिलता है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है, जो परफॉर्मेंस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। स्टोरेज टाइप इस फोन में आपको अच्छी मिल जाती है। वैन सेटिंग बात करूं तो Oxygen OS 13 और Android 13 के साथ आया था, 3 साल का Android अपडेट, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा, लेकिन हां इसके भी UI क्लीन नहीं मिलती है, इसमें भी भर भर के कचड़े मिलते हैं जिन्हें आप रिमूव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और फ्रंट मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस फोन का भी कैमरा अच्छी क्वालिटी की फोटो और वीडियो प्रोवाइड करता है। बाकी वीडियो कॉल की बात करो तो रियर कैमरे से 4K 60fps रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट से 1080p 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी बात करो तो 9.5G का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, डुअल 4G वर्ल्डी का सपोर्ट है, NFC भी इसमें मिल जाती है। और दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में OnePlus भी एक अच्छा फोन प्रोवाइड करता है, जिसे आप नेगेटिव और प्लस पॉइंट को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं।
और हाँ, इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर फोन है मोटरोला H50 Pro 5G। डिजाइन की बात करते हैं, इसमें दो चॉइस मिलता है, PMMA और वीगन लेदर। बाकी फ्रेम मेटल के थ्रू डिजाइन किया गया है और फ्रंट में पंच होल कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। सभी बटन सपोर्ट्स मिलते हैं 3.5mm जैक छोड़ के। डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। ट्रिपल माइक्रोफोन है और यूएसबी 3.1 टाइप C2C पोर्ट मिलता है जिससे आप बड़े स्क्रीन से भी शेयर कर पाएंगे। इसके अदर फीचर्स की बात करें तो इसकी बैटरी 125 वाट का चार्जर है टाइप C2C डाटा केबल के साथ। और सबसे बड़ी बात कि इस फोन में आपको 50 वाट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, 10 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। और हाँ, इस फोन में IP68 की रेटिंग भी दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का 1.5K कर्व OLED डिस्प्ले है, 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 360Hz टच सेंसिटिविटी रेट दिया गया है और 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलता है। डिस्प्ले इस फोन की भी बेहतरीन क्वालिटी की है, कलर और डिटेलिंग व्यू एंगल एकदम बढ़िया है, यानी डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। जो 10-bit डिस्प्ले है, प्रोसेसर है Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 3 जो 4 नैनोमीटर चिपसेट पे बेस्ड है और अंततः इसको 8.5 लाख के आसपास आता है। परफॉर्मेंस वाइज ये भी प्रोसेसर बेस्ट है जिसमें आप 60fps में हाईएस्ट सेटिंग पे गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन स्टोरेज टाइप में यहाँ कॉस्ट कटिंग किया गया है जो है LPDDR4X RAM टाइप, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। कम से कम स्टोरेज टाइप तो 3.1 देना ही चाहिए था। UI की बात करो तो मोटरोला का हेलो UI मिलते हैं, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा। लेकिन हाँ, इसकी UI आपको एकदम क्लीन मिलेगी, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप और बुलेटवेयर का झंझट नहीं है, इसमें कोई भी कचरा नहीं मिलता है, यानी UI एक्सपीरियंस एकदम आपको बेटर मिलने वाला है इस फोन के साथ। कैमरे की बात करूं तो 50MP का मेन कैमरा है, 13MP का अल्ट्रा वाइड और 10MP का टेलीफोटो कैमरा है जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है। फ्रंट में 50MP का सेल्फी कैमरा। कैमरे के मामले में भी ये फोन अच्छा फोटो और वीडियो प्रोवाइड करता है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कॉल की बात करो तो रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 4K 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की फोटो और वीडियो प्रोवाइड करता है। कनेक्टिविटी की बात करो तो 15 5G का सपोर्ट है, वाईफाई 6E है, ब्लूटूथ 5.4 है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है और NFC भी इसमें मिलती है। और दोस्तों, इस प्राइस सेगमेंट में मोटरोला एक अच्छा फोन लॉन्च किया है जो ऑलराउंडर है। नेगेटिव और प्लस पॉइंट को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। और हाँ, 8256 वेरिएंट के साथ आपको 68 वाट का ही चार्जर मिलता है, बाकी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट तो है ही। इसी की वजह से हमने इस फोन को फर्स्ट नंबर पे रखा है क्योंकि इसकी UI भी आपको क्लीन मिलती है। बाकी हमने इस लिस्ट में जितने भी फोन बताए हैं, सभी फोन अपने अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अपने अपने जगह पे बेस्ट है। बाकी आपको कौन सा फोन पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। आपको जो भी फोन पसंद है उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।